बिहार झारखंड के आरजेडी युवा प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद कारी सोएब किशनगंज जिला अंतर्गत ठाकुरगंज प्रखंड का दौरा कर डाक बंगला में संगठन को मजबूत बनाने को लेकर पार्टी कार्यकर्ता से की मुलाकात। ठाकुरगंज प्रखंड उप प्रमुख गुलाम मोहिनुद्दीन समेत कईयों ने थामा आरजेडी का दामन। प्रखंड अध्यक्ष कमल गुप्ता कर रहे थे कार्यक्रम का नेतृत्व। मौके पर पौवाखाली मुखिया प्रतिनिधि अहमद हुसैन उर्फ लल्लू समेत सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ठाकुरगंज से शशि कुशी रोका की रिपोर्ट। तो हमारे युवा राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही इसमें भी बहुत काम कर रहे हैं, तो उसकी भी समीक्षा के लिए आए थे। कहाँ क्या है नहीं है, और संगठन का मतलब सदस्यता अभियान चल रहा है, उसकी भी समीक्षा के लिए हम आए थे। और कई जगह से होते हुए हम आ रहे हैं, यहाँ भी आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। फिर हम छठ के बाद यहाँ आएंगे और कैंप करेंगे। यहाँ हमारे दल के चाहने वाले, हमारे दल के सदस्य लोग या लालू जी के विचारधारा से जो सहमत हैं, वैसे लोगों की तादाद कम नहीं है। तो हम सब लोगों को इकट्ठा करेंगे, जो सब लोग बिखरे हुए हैं सब लोगों को इकट्ठा करेंगे, और हम लोग बड़ी मजबूती के साथ इस देश से जो फासीवादी ताकत है उसको खदेड़ेंगे। और ये जो किशनगंज रहा है, इतिहास रहा है किशनगंज में, उस जमाने में जब मुस्लिम लीग आया था, एक सदस्य नहीं बना पाया था मुस्लिम लीग अपना। ये सेकुलर धरती है, सेकुलरिज्म की एक बहुत बड़ा मिसाल है कि मुस्लिम लीग यहां आया, उसके पर्ची को लोगों ने फाड़ के जला दिया, एक सदस्य नहीं बना पाया यहां। ये किशनगंज यहां हिंदू मुस्लिम एकता की बड़ी मिसाल है, लेकिन चंद लोग, मुट्ठी भर लोग इस मोहब्बत को, प्यार को तोड़ना चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही ऐसे लोगों को कभी कामयाब नहीं होने देगी, और तमाम लोग मिलजुल करके पार्टी को मजबूत करेंगे। सभी जात बिरादर समुदाय के लोग, सभी जात धर्म बिरादरी के लोग पार्टी को मजबूत करेंगे। यह हमारे अजय सिंह जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, युवा राष्ट्रीय जनता दल के विष्णु भाई हैं, बंटी सिन्हा, सरफराज आलम, सीमांचल एक्सप्रेस बहादुरगंज, यहाँ पार्टी को मजबूत करेंगे। ये शकील साहब है हमारे जिला अध्यक्ष किशनगंज के यूथ के सारे लोग, और ये हमारे प्रखंड अध्यक्ष गुप्ता जी है, ये है सब नौजवान, सब एकदम मिल करके। सर एक वो सर किशनगंज जिला में, किशनगंज जिला के अंदर ठाकुरगंज में राजद के बड़े बड़े नेता भी हैं सर पोस्ट पे, उसके बाबत ही हम लोग तो काजी सोएब साहब हमारे काफ़ी अजीज रहे हैं और बड़े भाई की तरह हैं। शुरू से जो है इनका मिजाज भी अच्छा रहा है। अभी हम लोगों ने लोकसभा इलेक्शन में तब्दीली, इसको कह लीजिए कि तब्दीली कुछ नहीं है, यहाँ के जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं कांग्रेस के, कांग्रेस अपनी जगह फिट है, यहाँ के लोग, इन लोगों को मैं समझता हूँ कि प्रतिनिधित्व का तरीका नहीं आता। कुछ लोग माहौल को परिवादवाद के टाइप में बना देते हैं, कुछ लोगों की मंशा को समझ में नहीं आया। यहाँ ठाकुरगंज ब्लॉक के अंदर वैसे कोई लोग नेतृत्व करने वाले नहीं रह गए कांग्रेस में, और आरजेडी में बेशुमार लोग जिन्होंने अच्छी नेतृत्व किया है ठाकुरगंज ब्लॉक में, और आगे बिहार का जो भविष्य है मैं समझता हूँ कि उन आरजेडी का है। और फिर हम लोग जो है आरजेडी वाले थे और आरजेडी में हैं सर। अब कांग्रेस का दामन छोड़ के, कांग्रेस का दामन के हम लोग महागठबंधन के लोग तो हैं ही, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से बिल्कुल जो है अल्लाह के मतलब महागठबंधन के लोग हैं ही हम लोग। अचानक पार्टी को झटका तो नहीं दिए? ऐसा नहीं है कि पार्टी को झटका, क्या लगता है पार्टी को झटका नहीं, पार्टी अपनी जगह बरकरार है। प्रमुख सर आप पार्टी चेंज कर लिया, पार्टी अपनी जगह बरकरार है, लोगों की कुशल नेतृत्व नहीं हो पा रही है सर। अब किसी के दबाव पे आके तो पार्टी चेंज नहीं, नहीं है। मैं किसी के भली भांति दबाव में क्यों आऊं, क्योंकि मैं खुद जो है ठाकुर जी प्रमुख भी हूँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि क्या चीज़ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सर पार्टी चेंज करने का क्या उद्देश्य सर, क्यों पार्टी चेंज? देखिए पार्टी चेंज थोड़ी है, पार्टी तो अपने है, पार्टी राजद जो है, राजद में हम लोग थे ही, हमने वहाँ जो रुकनीत हासिल की है, आज तक उनका कोई जो है रुकनीत का एक जो कागज़ होता है उसकी, उसको भी जिम्मेदारी से हमारे पास हमको नहीं मिल पाया। Here I am, I know it's been a while.